पूर्णमल देख रखे थे पिताजी मारी एक राती पर भी गलती हो तो चाहे मारी बोटी बोटी भी खेर दीजिए, पर पहले थे ही बात को फैसलो करो। राजा सुलेमान देख रखे थे कि पूर्णमा रानी झूठ कौन बोल सके नोना दे आई कहते हैं अरे नोना दे रानी सच्ची बात झूठ रती बार ना बोले तू ऊपर से भगत बन रहियो घट की घुंडी ना खोले घट की घुंडी ना खोले अरे नोना दे सच्ची रानी बात झूठ रती बार ना बोले तू ऊपर से भगत बन रहियो घट की घुंडी ना खोले घट की घुंडी ना खोले कहेगी जवा रानी अरे वाराणी मर्द पराया किरा कभी ना पटकन दे परछाई निकलो पूतक पूतक ने रे छोटी माँ के पसंद आई छोटी माँ के पसंद आई अरे वाराणी मर्द पराया किरा कभी ना पटकन दे परछाई निकलो पूतक ने रे छोटी माँ के पसंद आई छोटी माँ के पसंद आई देख रखे थे पिताजी धन मारी बात को तो विश्वास ही को भी माँ की बात को तो बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है जातो की पूर्ण में थारो विश्वास कर लो बता भी रानी की काई गलती जाए कि महाराज मारा मुझसे तो कही गुन जाए पिताजी सांची को तो पाप लागर झूठी को तो पाप लागर चाहे मरबो ही मंजूर मैं तो कौन राजा की बात को ऊपरी फैसलो कर दियो जी कह जाएगी महारानी तो कोई 50 बात बताती नहीं यो कोई एक ही बात कौन बता सके हाँ जी कह जाएगी कत्ल कर दी जाए इतनी बात सुनता इन साहब राजा को वो रूपे साहब वजीर देकर कहते कि महाराज यो गंगाधर हाथ में ले मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा और आपने महाराज भगवान की सौगंध से इनकी बिना बिना फैसलो कर बिना कत्ल मत कर जो हरी में गलती निकलिया होली तो यो गंगाधर हाथ में दे महाराज चाहे तो मन भी खत्म कर दी तो साहब इतनी बात सुनता ही राजा सुलेमान से ने जो मंत्री ने बर्खास्त कर दिया कि मंत्री थारा खेबा को मतलब तो यो किया रानी बदमाश है तू इतनी बात कही कह दी थारा मुंह से हाँ जी कि मंत्री ने बर्खास्त कर दियो यार ऊपर से 3 लाख को जुर्माना हो हर राजा सुलेमान नगरी में यो ऑर्डर दिवा दियो कि जो भी कोई पूर्ण को पक्ष लेने विकी कैद कर दी जाए तो विका पक्ष ले वाला 9 लाख आदमी खड़ा होगा तो राजा सुलेमान 9 लाख आदमी कैद करवा दे आज मंत्री ने बर्खास्त करो रे 3 लाख को जुर्मानू जो कोई पक्ष ले वह पूरण की करवा दियो बंदी खानू करवा दियो बंदी खानू अरे मंत्री ने बर्खास्त करो दान सब छीन लियो और पंडिता की खोजी पंडितानी निकलो छोटी माँ तो पसंद आई छोटी माँ तो पसंद आई दान सब छीन लियो छोटी माँ तो पसंद आई अब देखो लोगो नारी को करतूत करोड़ो भगवान साई गा रहे भजन ते कान खोल कर सुन लो जी कान खोल कर सुन अरे अपने को नारी को अर पति मार हो जाए सतिया हजो गण हर जाई निकलियो छोटी माँ तो पसंद आई छोटी माँ तो पसंद आई पति मार हो जाए सतिया हर हर जाई छोटी माँ तो पसंद आई
चार दिल्लाद बुला लिया, यहां जी की पूर्ण की कत्ल कर दी जाए। हरदे को पूर्ण ने जंगल में ले जाए छे, हरदे कई तरह से कत्ल की बातें चाल दी छे, कत्ल हो जाए। हाथ पगा में गालो और कलश गढ़ा प्याला भरो, पूरण को खून निकालो, जल्दी ले जाओ मत करो इस प्यार, जल्दी देओ पूरण ने मार। पूर्णमल की मान खबर वैसे तो दीवारा के टकरांगी दे दे रहा, आपका मुंड माता फोड़ लिया। रोती रोती राजा सुलेमान नजार के दरबार में की महाराज ये हत्यारी रावण का खेवा से मारा बेटा ने, मत मराओ। राजा सुलेमान देख कर के चले, रानी अगर तू भी कोई पक्ष ले ली तो तने दुहाग दी तू जा, महल से बाहर निकल जा और सूखा टुकड़ा मांगर खा, रानी थारो महल मा बाप काम कर। महाराज मैं दुआ में कुछ सुन, लेकिन मारी बात सुनो महाराज, आप राजा जो बुद्धिमान हो या करे थे राजा लोग, हर महाराज लुगाई वा चीज हो जाए। बस्ता शेर उजाड़ा त्रिया बड़ा बड़ा ने खागी, और तू कुल को दीपक बुझा रहे हो या नोना दे प्यारी लागी, पिस्तासी अंत में जार जल्दी दे वो जंगल में ले जाए जे। राजा सुलेमान देख करके चले, बेटा थारी का इच्छा जे, थारी अंत समय जे बोल कि पिताजी मारी कोई भी इच्छा को ने, मन तो मारी बात दोनों माता से मिला दे, माँ और माओ से। घट दोनों रानिया ने बुलावा जे, तो महाराज पहली पूर्ण तो आपकी माँ से मिले जे पहली। रानी इंजरा बेटा के गला में बांगड़ी घाल रोबा लाग गई। पूर्ण देख करके चले, माँ तू थारा मन में यहां समझ लीजिए कि मैं बांधड़ी सी मारे पूर्ण हुई हो, अरे यहां गला की बांगड़ी छोड़ दे माँ। मत ना रोवे मात बांजड़ी जान राख कुछ दीर, सब पूर्ण जन्मियों नहीं छो दो दिना को शीर, ऐसी मौत लिखी वो करी तार जल्दी दे वो पूर्ण
रजामा तरियो बसन जो आज के 12 साल बाद में थारे सुमे आर मिलो लोर थारा मारा मिलवा की पहचान याद है। जी दिन में मिलो लो तो थारा मतलब 18 कदम का फैसला से थारा अंतला से दूं की दार मारा मुंह में चली जाए ली वी दिन तुम जान जाते कि मारो बेटो जो अब महाराज मावसी से मिले तो मावसी छाने जी कहेंगे जब नोना दे रानी की पूर्ण अब भी मान जा अब भी मैं थारी जान बचा सकू छू तू माँ बेटा हूँ कायदे छोड़ दे मन तू थारी रानी रा तो पूर्ण कहीं कहते कि माँ माँ वातन तो तू भूल जा रही हो थारो हाथ मारा माता ऊपर धर रिया कह दे कि जा बेटा तू सुरग लोक में जा जड़ा मावसी की आत्मा हार गिरे रान की आपा तो नाटक ही करियो जो कि मरती टाइम में डर को मारियो हाँ कर ले लो पर अभी का मर बाम कहीं कभी जा हो तो अभी भी जबान ने कौन छोड़ी आपा भगवान ने कहीं जवाब दिया हाय गजब अन्याय हुई मैं खोप खुदा को खाऊं और मैं पापन सच बोलूं तो अब बिना मौत मर जाऊं बैठी गम गई महल में सिधारी जल्दी देव कुंभन ने मार महाराज वो पूर्ण आपकी माँ के साथ परिक्रमा लगा भी कतल का तख्त के ऊपर चढ़ जाए जिल्लादारा नमस्कार करे तो देखो भी की कतल कर रहे थे जिल्लाद पहलो बार माता को ऊपर करे थे तो माता से खून को निकलियो दूध की धार छूटी क्यों बार तलवार दूध की धार से छूटी अजी हाथ पांव दिया काट पलक में लाल लखीनी लूटी जमी आसमा हिल उठा थर्रारी जल्दी देव पूरन मार जमी आसमा हिल लाश के चलेगा साहब कोई भी प्रकार को क्रियाक्रम को न करियो जो वो तलवार को गाव छोने माता को ऊपर तो मातो कटियो कुंजो खाली गाव ही हो रहे तो दिल से बोलतो बोलतो साहब तो मुंडा से बोलवा लागो बटी ने 12 वर्ष पूरा होता है गोरखनाथ जी महाराज आपका 750 चेला ने साथ में कुआ के पास में डेरो लगा लियो एक चेला ने भेजे थे कि जा भाई तू पानी लिया मारा ना बजाए वो कुआ के ऊपर चेलो जाए थे तो वो आवाज लगाओ चले कि भाई तू कुण से मन भी निकाल ले वो यार गोरखनाथ जी ने खजे खजे महाराज भी में तो कोई भूत दी गई गोरखनाथ जी यार खजे ले भाई तू कोई जिंद से भूत से प्रेत से चुड़ैल से डाकनी से बोल कहीं आप कहीं जाओ जा कि महाराज मैं तो भगवान को भगत छू 12 वर्ष हो गई कुआ में पड़ी तो तू मन उरास दियो हर वो दाता ने रस्सा ने पकड़ ऊपर निकाल ले हम शरीर को ऊपर खाली वो आठा को डांसो छो मांस तो स्वाद गोरखनाथ जी कहा क्या मांसू होगा कि खैर दुनिया में एक सौ एक भगत है लेकिन एक समान भी कोई भक्त को आपका सब चेला नु खम देते कि माया वो जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाना चाहिए अय की सेवा से तो 4 ही दिन में ठीक हो गो गोरखनाथ जी देख कर कहते कि बता बेटा काई नाम से थारो काई थारा बाप को नाम से खटे को कि महाराज मैं श्यालकोट नगरी का सुलेमान राजा राजा को लड़को जो पूर्णमल मारो नाम अरे बेटा तू तो राजा को लड़को तन खत्म कौन कर दिए कि महाराज इस प्रकार से मारे थे जो वह मावसी कलंक लगा दिए काई खरे थे हाँ जी भक्त पूरण ने कुआ से निकल आयो जी पकड़ी बाई इश्क में होगी हद दीवानी
और मैं जान बचा कर भाग्यो होती देख धर्म की हानि। हाँ जी उल्टो मासी ने जाल बिछायो जी, हाँ जी उल्टो मासी ने जाल बिछायो, हाँ जी भक्त मासी ने जाल बिछायो, हाँ जी भक्त ने जाल बिछायो। अर बीती 12 साल गोरख नाथ आयो जी, भक्त पुण्य ने पूरत निकलायो, हाँ जी भक्त पुण्य ने पूरत निकलायो। बोल श्री जी महाराज की सारी कथा समझा दी। अच्छा की बेटा मैं समझ गो, गोरखनाथ जी महाराज साक्षात शंकर भगवान की देही जी, आपकी तपस्या का प्रताप से मेरे हाथ पांव बढ़ा दिया जाए बेटा, अब तू थारी नगरी में चले जा। कहे महाराज मैं तो खटे जाऊं ना, मन तो थे था को चेलो बना लियो। तो गोरखनाथ जी साफ इनकार होगा कि बेटा जो थारो शरीर से जो बेटा राज करवा लाए कि शेर तू राजा को लड़को छे और राज ही कर बेटा, मैं चेलो कर बनाऊ। गणा साहब खूब नोरा खा लिया, गणो ही रोयो पण कोन पार पड़ी जना, कोन देखकर कहते कि महाराज कोन बनो जे लोग कोन बनो। तो कि महाराज थन था का गुरु मच्छंद्रनाथ की सोगल मन चेलो ने बनाओ राजो। तो गोरखनाथ जी का आंखिया मांसू आकार देखो बिन चेलो बनावे जे और कर्द चलाओ जे कान में। कर्द चलाई कान में जब बही दूध की धार, हर जीत लियो जग बचपन में सब चेला से होशियार। हारे अमर हो गो थारो नाम सवायो, हरे अमर हो गो थारो नाम सवायो, हरे भक्त हो गो थारो नाम सवायो, हरे भक्त हो गो ने पूरत निकलायो। बीती 12 साल गोरखनाथ आयो जी, भक्त पूरन पूरत निकलायो, हरे भक्त हो गो ने पूरत निकलायो। सारा चेला सुसा प्रथम नंबर को चेलो राख लियो भी ने। हम साहब कहते गुरु महाराज मैंने सब दुनिया का तीर्थों को स्नान करवा लिया, खाली एक त्रिवेणी तीर्थ बाकी रहोगे। तो त्रिवेणी का स्नान के लिए चीन देश की नगरी के मान पहुंचगा, जंगल के मान डेरो लगा लियो। आपका सब चेला देकर कहते कहते भायाओ सू का टुकड़ा मांग लियो, हर पूर्ण सा पास बैठार बिन ज्ञान ग्रंथ की पता सुना बलाएगा। सब चेला के बड़ो दुखो गोरो कहते जो पूर्ण अपनी छाती माला छो भाई। गोरखनाथ जी ने सारी तो करामात बख्शीश कर दी, आपन तो टुकड़ा लेबर में भेज देते, अरे इन न जानता है ज्ञान ग्रंथ की बात सुनाओ जिनको पत्तो साफ हो जाते पार पड़े। तो बस चेला बैठे बैठे काई राय कर दे। सित बख्श दी अनंदन का भंडार, और आपा सब 100 साल गुजारी पूर्ण ने दिन चार। लागी मन में गुठन हो गो काया को चूरण, लागी मन में गुठन हो गो काया को चूरण, लागी मन में गुठन हो गो काया को बाबूजी बन गो भया, मैं तो असली बाबूजी से जाना इस चीन की नगरी में जा रहा, आज भीख मांग ले रहा। कहते यार गुरु महाराज जा भाई, कहते गुरु महाराज कहीं कर यार साधु को नहीं बच। गोरखनाथ जी के चार चरणों में गिर गो कि महाराज मैं तो आज भिक्षा ले बन जाऊं। लोरे बेटा तन भिक्षा ले भाई कहीं जरूरी है, तन मैं मारी सारी करामात बख्शीश कर देनी और तारी तपस्या बेटा भी कुआ में पूरी होगी 12 साल में। कहते महाराज मैं जाऊंगा।
चोको चोको जया जोड़ी ले जा बेटा, सिर्फ थारो नेम पूरो कर लिए और आगे मत चले जाजे ने, आस पास मंडे एक दो ग्राम से शू का टुकड़ा मांग लिए। कान फड़ा बाबू जी बन गोलिया नगरी सुबीक, हर पूरण मन भगवान साई सा त्यां की मानी शीख, पढ़ गो गुरु के चरण भिक्षा जाऊं बोले मैं, गाना की राग बताऊं भाई। दुनु ताक में पड़ो जे भाभी खाले रबड़ी, दुनु ताक में पड़ो जे भाभी खाले रबड़ी, अरे खाले रबड़ी हो जा मोटी तगड़ी, दुनु ताक में पड़ो जे भाभी खाले रबड़ी। खड़ जोड़ी लेर साहब चीन देश की नगरी के मान चले जाए जब बैठे जाता ही दुनिया ही कट्टी होगी बिगड़ा उपन देख पन देख देख सब रोबा लागगा पूर्ण देख रहे बोलियो कहते भाई काई बात की है बिगड़ी कट्टी कर रखी जाए। कहते महाराज मैं दुनिया में घना ही साधु देखे है लेकिन यहाँ को बाबू जी बन देख आप तो महाराज कोई भगवान का अवतार ही जगह तो जो रो गए जो कहते महाराज चीन के माने या रानी तेरे सुंदरा साधवन खत्म कराओ अति देर में तो खट साहब साधु आगा भी रानी का खट गिरफ्तार कर लेगा साहब। तो रानी इंतजार कहते थे तो महाराज एक बाबूजी ने पकड़ ले राजा तो कहते भाई देखो माँ तो काट दो अपना महल में दरवाजे हर लाश को हम गिरवा दो। कहते महाराज बीस समान कोई साधु को देखे महाराज यहाँ को सुंदर जी कहते भाई था ज्यादा ये चल तो दो दिन की मोहलत से दो दिन बाद हम खत्म कर देंगे। बाबा जी ने कहते ले भाई बाबा जी और तो मांगो क्यों जोर चाले को अर थारी में दो दिन की मोहलत करवा ले आजा दो दिन तक नहीं तू खूब खा पी। अरे कहते भाई मार तो कोई गुरु भाई बोल लगा दियो कि इस चीन की रानी से भीख ले रहा है जतन जाना अब मनिया पहली भिक्षा काल दे तुम्हारो नियम पूरा हो जाए दूसरा चाहिए मनिया खत्म कर दे गुरु पूरा हो जाए पण मैं तो अनपाणी कौन कहूँ पण महाराज बाबा जी का रूपन देख रही चक्रा फूंजी खागी बम्बा बोली खागी और काई खरीदे बाबा जी ने हाँ जी अरे मैं तारी महारानी बन जाऊं रे तू मारो महाराजा बन जा तारी शान देख शर्माऊं रे तू मारो मारा दासी ने कहा दासी बाबा जी ने तुम्हारे में लिया ऊपर क्यों तन भंगवा वस्त्र पर्यादी के नहीं फकीर कुल राजा का लाल कमर कोई साहूकार अमीर मैं मारा गुस्सा पर पिसता हूं रे तू मारो मारा दामन
शिला पर रब तौर बालिया पो दीना रतन सारा ने खा जाऊर बालिया पो दीना र थारी चितड़ी बटवाऊर बालिया पो तो साहबा सुंदरा रानी पिलंग के ऊपर बैठा लियो बाबा जी ने काई बात करी दे क्यों तन भगवान वस्त्र पे आदि के नहीं फकीर कुन राजा का लाल कमर कोई साहूकार अमीर तो पूर्ण देख रखे खजा अगर मैं बाबा जी राजा को लड़को ही होते हो तो काई ने कर कर भी मांगता काई करे दे हो तो अगर अमीर वीर तो क्या ने कान फड़ा तो और जे राजा जी हो तो मैं नहीं घर घर अलग जगा तो नहीं देही के दाग लगाऊं ये चीन की माराई हटना दाग लगाऊं चीन की महारानी हट जा अरे जाग तन साहब भी कहती हूँ मैं सुलेमान राजा को लड़को जू पूर्णमल मारो नाम दे पूर्ण देकर कहते कि रानी तुम्हारा हाथ मन लगाओ तन भगवान की सौगंध अगर मारा गुरु ने मालूम पड़ जाए लो तो मैंने सेने जो जान से खत्म कर दे लो मतलब अंड बैठे हो जल रहा समझ जाऊंगा काय नाम तारा गुरु को कि गोरखनाथ जी खटे थे कि 1803 को उस पर जंगल के मान डेरो लगा रहे लो महाराज मैं चीन की रानी चु सुंदरा मारो नाम जे महाराज आपकी पूरी की पूरी जमात ने जिमा वास्ता ही तुम्हारो भोजन जी गोरखनाथ जी चिमटो उठार मार बन तैयार हो गए रान हत्यारी थारो में वो अनपानी थोड़ी बक्षण कराना चली जा कहते महाराज ठहरो मैं साथ में हत्या क्यों कराओ जी महाराज महाराज दिल में यह इच्छा जी की कोई न कोई साधु मारा हाथ अया को मारियो जाए लोग की का दरिया से मन गोरखनाथ जी का दर्शन हो जाए और महाराज मन थे मिलगा जाओ और आज से यो जल हाथ मले संकल्प करूं जो महाराज कोई भी साधु की हत्या कौन करूं नहीं महाराज पढ़ मारो भोजन जी मुआ गोरखनाथ जी देखी भाई अब तो जीवन भी पढ़ लो सब जिम्बा लाग गा जा गोरखनाथ जी जीवता हो या मन में विचार लगाए कि आखिर में यह भी सन जो संकल्प करो जो आगे के लिए साधवान को मर ली तो आपने क्यों देना चाहिए अच्छा तो लेके जा तू भी कोई वरदान मांग मारे से कहते महाराज वचन दे जाइयो वचन ले तो देव काय मांग रही थी वसुंधरा रानी जिम रही जामात गुरु जी खा लिया पकवान और मांगे सोई देऊ सुंदरा खे दे खोल जवान मैं पूरण ने पति बनाऊ गुरु मन साथ पूरण कर पूर्ण ने मारो पति बना बचाऊ गोरखनाथ जी बड़ा दुखिया होगा कह रहे रान हत्यारी आज धोखा सोचो जा बेटा पूर्ण जाएगी साथ चलो जा आश्रम तू गृहस्थी आश्रम बने बेटा जो भी कुछ बर्बाद जो वो मारो ऊपर से रान धोखा से लूट दियो लिया कहते बाबा जी सुंदरा रानी बाबा जी को हाथ पकड़ी भी पूर्ण को रथ में बैठा लियो लिया बराबर में बैठ जाओ मैं तो पिछाड़ी बैठ जाऊ
अब पूर्ण मल बड़ो दुखी हो रहे जे आज गड़बड़ काम ही हो। अब साख पर रथ चलाती जा रही जेरे साहब मीठी मीठी बातें कर रही जे बाबा जी सुन। हाजी बाबा जी अब बोलो तो सही हो। अब जाको मैं थांगी लुगाई थे मारा पति पर साहब बाबा जी हूं कारो देले पर जवाब को दे। सुंदरा रानी देखी भाई कहो बाबू जी बने रहो कान से चक्कर बात हो सोया हो तो साहब पूर्ण सेन देखिए आचा चक्कर में पछा भाई तो खट भी कने तो वो करामात जी ने यहाँ को आंधी तूफान चलाए तो भी आंधी तूफान वो रथ से निशान उतर रही एक शेर की गुफा जी ऊंडा हंदला के मान जब गुजार बैठो। अब अपनी ने भी न मालूम को भी सुंदरा रानी अब कुणिया का होता दे रही जी हाँ पाची फिर जाके चलो बाबू जी दिखे को रान के वो तो दुख होकर वो भाई वापिस बाकी बाकी जाए जे और गोरखनाथ जी इंतजार करते कि बारात को पूर्ण तो दुख होकर वो तो थाके ना को कि देख भाई मैं सच्चा साधु सातन जबान से दे दियो तो दे दियो मारे पास कौन आए। तो साहब खूब कोशिश कर ली नहीं खूब हीरायो ढूंढायो लेकिन कौन मिलो जना आखिर में तीसरे दिन से जो सतगड़िया महल के ऊपर चढ़ पूर्ण पूर्ण कर दिया फसाड़ कर निधन पड़गी बापड़ीगा छींचड़ा छींचड़ा भी गया मरी गई। चौथो दिन होता है पूर्ण जा और गोरखनाथ जी ने प्रणाम करे जैसे गुरु महाराज डोगरे बेटा तन बोल भी सुंदरा रानी ने संभला दियो और बेटा तू मारो वचन भेद कर दियो। हाँ जी कहते महाराज महाराण तो बहुत खराब जी जाऊ ऐसी सी बातें करी महाराज जी मतान कही कम से गोरखनाथ जी हंसवा लाग गया कि भाई वो कोई दुनिया का रंग डंग तो देखे हाथ को नहीं कहा ठीक कहते बेटा कोई बात को बात थारी खातिर में कहते जो मैल सुपर कूदर मर गई। हाँ जी मर गई तो बहुत बढ़िया काम हो जी थे मारा मगरान देखो रान कहते अः दे दे कोने का होदार जाओ मगर छोलना क्या और कहते बात जीवती रेटी तो हाल तीन छोड़ती नहीं कहते थैंक यू। चौथे दिन जा पूरण कीनी गोरख ने प्रणाम रे बेटा सुंदरा दे रानी पूछ गई सुरदाम तन भगवान साय समझाऊं रे तू मारो महाराजा बेटा पूर्ण अब तू थारी नगरी में चले जा थारी माँ इंसरा बेटा थारे ताई रो रो आंखियां सु आंधी हो तो आज वो पूर्ण आपका तू भी चिमटा का मंडल उठा और शालकोट नगरी में पहुंच जाएगा। बाग के मान जार बैठ जाए जे राजा सुलेमान को एक बाग दो तुम्हारा जिस दिन पूर्ण की कत्ल करी थी बीस दिन बाग वो सारो सूख गए कुआ बावड़ी का बावड़िया को पानी भी सूख गयो एकदम से वो बाग हरियो और कुआ बावड़िया में पानी हो बाग को माली एक बहुत ही सुंदर फूलों को गजरो बनायो और साहब बाबा जी ने ले जा पैरा वो जो फल फूल बैठ कर लियो महाराज। अरे कहते भाई तू यो कहीं कर रहे थे अजी कहते महाराज माँ कहे राजा को लड़को दो जिन राजा कत्ल करवा दीजिए भी लड़का की जिस दिन से महाराज ये बाग सूख गए और महाराज आप तो कोई जाने भगवान का रूप ही जो कहीं महाराज जाको बाग सारो हरियो गोर फल फूलों से लथपथ हो रहा थे पेड़ कुआ बावड़िया तक पानी हो तो महाराज मैं एक कान से तान पैरा रही जो मारे बहुत खुशी हुई कहते तो भाई यह बात तो खैर तारी मान ली नहीं पड़ी एक काम जे अया की खुशी के ऊपर तो कोई अया का आदमी ले जा रही हो फूलों को गजरो अरे फल फूल भेंट कर जो तने भी मिले यार गरीबी भोग रही तुम्हें
हाँ महाराज बात तो सही, अगर मगर राजा सुलेमान ने ले जा रहा फूलों की माला आ रही है फल फूल बैठ कर दे तो राजा तो फूल ही कौन समा, क्यों 12 वर्षों का हमारा राजी बाग नहीं सुनो, जा तो जा तारा राजा नहीं पहला। तो राज वो माली जा और सुलेमान राजा दरबार के मायन वो गजरो पे रहा हर वे फल फूल बैठ कर भाई भगवान आज एक खटे सु लिया तू महाराज अपना बाग सुन झूठा कोई मांग तो नहीं पी मेरी जात मारी जी हाँ अपना बाग तो बेटा 12 वर्षों को सूखे कहते महाराज एक बाबू जी को आई जे जो सारो बाग रे अरे कुआ बावड़िया में पानी हो अरे कहते झूठा मैं काल ही जा रहा है कहते महाराज ती तो चादर देख ली ला रहे तो बेटा कहते अगर जो झूठी तो निकली तो आज तारी खैर को ना हाथ पग तोड़िया छोड़ लो कहते ते तो मारी नाग जो नहीं रे पूर्णमल बैठे बैठे हुए थे वो बाबू जी। तो राजा ने आ तो देख रे पूर्ण का आंखिया वांसू आ भगवान आपने जो वो ही बाप थे जो आपने जीजन कत्ल करवा दिया पर अंत में आपने बाप थे आपका आसन छोड़ हर राजा के जार चरणा के मान डोक देनी आया हाथ लगा माता का हाल लगायो चरणा का हाल लगा हाँ। राजा देख रहे कहते कहते बाबा जी ते या कहीं उल्टी रीति रिवाज कर रहे तुम्हारा महाराज थांका चरणा के मैं डोक दे थांका चरणा मैं डोक दे तो थे मारा चरणा में डोक दे रहा तो महाराज मेरे पाप को भागी बना रहे हाजी कहते नहीं महाराज मैं तो फकीर था महाराज थे अमीर जो महाराज राजा लोग था की बराबरी मां सकत गए महाराज मारा हाथ थे तो प्रजा को पालन करवाला जो हाँ मैं फकीर था की मेहरबान ले ली तो महाराज 10-20 दिन में भी गुजर बिसर कर लेला पण महाराज बाबा जी का रूप देख राजा का आंखिया वांसू आ गए कि भगवान जे आज वो आपनु लड़को जिंदो है तो ने तो इ बाबा जी को स्वरूप जो आपना भी बेटा तो राजा का आंखिया वांसू आ गए बाबा जी को रूप भायो पूरण मल जद याद आयो सूरत हो तो और नैना नीर भरायो दिल राजा को अंदर रो तो बोलियो बाबो जी आंख्या में आंसू कया रया चांद कया रया चांद हरी रह कि राजा बाबू महाराज आप तो रो रहे हो आपका आंखिया मासू का कहीं आ गया महाराज कहीं बात हुई कि महाराज मैं राजा छू कोई भी बात की मारे कमी को नहीं पर महाराज बाग के मान कोई संतान का
महाराज आपको आया को चमत्कार से सूखा बाग ने रेव कर दिया, कुआ बावड़े अंत तक में पानी होगा तो बाबा जी मन भी एक लड़को दे दिए। किधर राजा लड़को दे दे ना, अपनी एक शर्त कर थारी तमाम नगरी नहीं बाग के मैं निकटी कर ले नहीं, मारा चमत्कार न कौन जाने, मैं सबके सामने दे जाऊंगा। हो कि महाराज या तो हाथ की बात लक्ष्मी अंदर ठाट बाट एक चिंता लगी महान, हे साधु महाराज एक बख्शीश करो संतान, तारी नगरी ने इकट्ठी कर ली राजा तत्कान, राजा तत्कान हरी रे हरी रे मारा दीना अंदर ठाट बाट की चिंता लगी महान, हे साधु महाराज एक बख्शीश करो संतान, तुम्हारा खट राजा सुलेमान नगरी के मान ढिंडोरो फिरवा दिया, तमाम नगरी कट्टी होगी। अब बाबू जी देख करके चले राजा, अब सबके सामने बोल का इच्छत है कि महाराज मैं एक लड़को चाहूं जो महाराजा तो कि राजा तारा लड़को तो चुके हो तू तो झूठ बोल रहे लड़का छुपार फिर और दूसरो मांग रहे महाराज कि बाबा जी आप खेरे जो तो बात ठीक है महाराज, मार लड़को तो होगो महाराज लेकिन भी लड़का की मैं कत्ल करवा दे क्यों कि महाराज वो आपकी छोटी माँ के ऊपर नीत डिगाली नहीं कान से खतना आपको सच्चो जन्मियो एक पुत्र घर में, और वो माँ पर नीत बिगाड़ी सुत की दीनी कत्ल कराई बिन जिला दाके बिन जिला दाके हाथा में करवायो जी हलान करवायो हलान हरी रे ने आपकी छोटी मां पर ही कांस भी लड़का एक कत्ल करा दिया क्योंकि तो राजा तनकाई मालूम गे तू आंखें से देखी ये नहीं महाराज तो कोई का खेबा से नहीं महाराज तो बढ़िया न्याय करी तो राजा लोग तो बुद्धिमान हुआ करे थे कहीं बात हुई कि महाराज रानी का खेबा और एक बढ़िया न्याय करी राजा एक लुगाई की जात का खेबा से तारी आत्मा की चीज ने खत्म कर दी। एक बात बता बेटा में कोई दासी थी कुंद रानी का हाँ कि महाराज दासी तो 24 घंटा रही जाए बुला कौन सी दासी जी
गवा गेल इंसाफ कियो या मन को मनसा पाप, तू राजा होकर बिना समझ से कियो मुकदमो साफ। बुला ले चंपा दासी ने कैसी सारा हाल, कैसी सारा हाल करी रे। चंपा दासी ने बुलावे जे बावल देकर के चले दासी भी टाइम में तो मौजूद छी पूर्ण मतलब मावशी का महल में गयो जत की महाराज मौजूद छी। बता सच सच बता जे अगर झूठ तो बोले नहीं तो जलर भस्म हो जाए की महाराज में बता दी जुरी लेकिन या नोना दे रानी मेर मन जान से खत्म करवा दे। राजा सुलेमान देकर बोलियो कहते इनकी कायो खाज तन खत्म करा दे जो भी कुछ बात हुई वे हर तू आंखें देखी जो सही सही बता दासी तो साहब कहीं बताओ जे कि महाराज पूर्णमल से जो भी कहे परिक्रमा लगा माओ शिखर महाराज एक अंगूठा के पान खड़ो है हर महाराज माँ के अलावा दूसरी जबान ही कुंजी मोज मामा रहे हो पुकार पूर्णमल चित चरणा में ध्यान अरिया रानी नीच बिगाड़ी सब तज दीन धर्म ईमान या हत्यारी नो ना देखियो पूर्ण को पैमान पूर्ण को पैमान हरी रे मामा रहे पुकार पूर्णमल चित चरणा में ध्यान अरिया रानी नीच बिगाड़ी सब तज दीन धर्म हिमान या हत्यारी नो ना देखियो पूर्ण को पैमान। इतनी बात सुन दासी की हर महाराज राजा वो बाबू जी से न किले राजा थारी रानी ने बुला नो ना देने कौन सी जगह रानी आवे चले रानी सही सही बता काई बात है पूर्णमल काय न्याय करी थारी साथ कि महाराज मैं बता दू लेकिन राजा से पहली सोगो ने माफ करवा दी ले भाई राजा थारी रानी ने सोगो ने माफ कर दे तो खे लिया कि महाराज रानी के मायने ने माफ करवाई कहीं बात जाए जिस प्रकार से वह बात हुई ने मन खैरी चीज है तो बाबा जी ने बता दे कि नहीं महाराज सोगो ने माफ करो जो दुख जा तो कि रानी थारी सोगो ने माफ से बता कहीं बात हुई तो कि महाराज पूर्णमल की गलती बता वास्ते तो महाराज क्यों ही गई महाराज माँ के अलावा आखिरी दम तक भी जबान को ऊपर माँ के अलावा दूसरी बात ही कौन सी हर महाराज में एक तरह से अमृत में जहर घोल ही दी। सुन चंपा की बात संत जी नो ना ने बुलवाई और सच सच खेबा से पहली गुने माफ करवाई मैं हत्यारी अमृत में बेशक जहर दियो गान जहर दियो गान तलवार से निकाल ली नी रानी ने खत्म करवाटे बाबूजी हाथ पकड़ लिए कि ठहर जा राजा जो फैसलो मारी तरफ से हो रही जिस दिन तू खत्म कर दो जदे देना तू का खेबा सिंह तेरा लड़का ने खत्म करा दिया। अब बाबूजी नो ना दे रानी ने कहे कि रानी एक बात बता तू मावर भी बेटा को ऊपर नेत क्यों डिगाई मावर मावशिम फर्क को नहीं करे तो रानी का ही जवाब दे दे कि महाराज मारी आत्मा में यह इच्छा थी कि पूर्ण का सा रूप को मारे भी लड़को पैदा हो जाए जा तो की रानी हर अगली साल एक लड़को पैदा हो लो रिसड़ू नाम राख जे लेकिन गुण को नाला पूर्ण का सा जिया का थारा लक्षण छा का लक्षण रह
माता होकर पुत्र से तू क्यों की नी अन्याय, रानी के पूरण सो पुत्र खिले गोद के माई, जैसी नीत वैसो पुत्र तार, वैसी अब की शान, वैसी अब की शान। पैसा वजीर खड़ो और कहते कि महाराज ये तेरी नहीं बेटो दे दियो, तुम्हें भी एक बेटो दियो, जब आएगी थारे भी एक बेटो हो जाए। पूर्णमल की माँ आवे कि बाबा जी मैंने महाराज को मरवा की दवाई दे दी। राजा सुलेमान भी का सोनू श्रृंगार मंगवा दिया कि ले रानी तुम्हारी गलती माफ करियो, थारो सुहाग वापिस समा। कहते महाराज मैं तो दुआग मे राजी सुन जितने समारो बेटो मेरे को भी दे। बाबू जी देख रखे ले रानी तन यो सुहाग स्वीकार करना चाहे जे तू पतिव्रता से पति को अपमान मत करे। कि बाबा जी आप खेरे जो बात ठीक से, लेकिन महाराज अम्मा आ क्या सुहांदी होगी न पतो राजा यो श्रृंगार मन असली पहराव से नकली पहराव। बाबू जी धूणा में से एक धूल की मूठी उठा रानी दे के ले रानी तू बाग से बाहर चली जा और आंखें तो मैं गाल लीजिए बबूती ने जा तन सूझवा लग जाए और थारी जवानी वापिस आ जाए। रानी बाग से बागी बागी बार जाए जब बबूती ने आंख में गाल ले महाराज आंखें सूझवा लग गो और जवानी आ गई रान कम से कम चादर बाबा जी डोक तो जाये वापिस आ जाए जब माँ बेटा के अठारह कदम को फैसलो रही हो। और रानी का अंचला में से दूध की धार निकले जे हर महाराज पूर्णमल का मुंडा में चली जाए जे रानी रोबा लाग गई याद आ गई बाबा पूर्ण पूर्ण करवा लाग गई। हर बटी नाराज सुलेमान राजा म्यान से तलवार निकाल कहेंगे जे कि ले बेटा मन तू थारो बाप मत समझ तू मन कसाई समझ बेटा थारा हस मारी गति हो जा तुम्हारो माथो काट दे कि पिताजी मन ते असली पूर्ण मत समझो था वो नकली पूर्ण जो महाराज भूत कोई प्रकार को क्रियाक्रम को न करियो इन कारण से मैं तो प्रेत आत्मा मुझे नहीं नहीं कि बेटा तू मैं सच बता नहीं आत्महत्या करो तो राजा आत्महत्या करवा लगे उन्होंने ना खट महाराज पूर्ण हाथ पकड़ी कि ठहरो पिताजी वही था वो असली पूर्ण जो नकली को हाँ कहते महाराज गोरखनाथ जी को चेलो बन गो और मारा हाथ पांव बढ़ा दिया हमारा सबका समर्थ के मान बैठा लियो को महाराज राज तिलक कर ला पूर्णमल साफ इनकार हो मानी को खट गोरखनाथ जी ने याद करे और महाराज अया को आंधी तूफान चलायो काली पीली आंधी यही भी आंधी में खट अंतर ध्यान हो गोर वा ममता बनी की बनी रहेगी। गुरु गणेश भगवान सायन दी ज्ञान की घूंट और सिर पर माता जीन भगत पर चालेना डटमूट गाऊं बजाऊं और नाचूं मैं दंगल में नौ नौ ताल दंगल में